नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े दो घरों में चोरी कर लाखों रुपए के सोने चांदी एवं नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी एक ही मोहल्ले में और 10 से 12 बजे के बीच ही हुई है। आपको बता दें कि धामपुर के मोहल्ला क्षेत्र नगर में महंत के गेट के पास टिकेंद्र कुमार किराए के मकान में रहते हैं। सुबह 10 बजे करीब उनकी पत्नी अलका घर में ताला लगाकर बाजार से सामान लाने गई थी और 12 बजे करीब लौट कर आई। अलका ने देखा कि उसके घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। उसने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। अलका ने बताया कि उसके घर से 30,000 की नकदी और सोने व चांदी के जेवर चोरी हुए हैं। नगर इंचार्ज अजय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना एवं चोरी की अलका से जानकारी ली। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी ओर की घटना भी उसी समय की है, जहां क्षत्रिय नगर में प्रदीप अग्रवाल का मकान है। वह भी करीब 10 बजे मकान में ताला लगाकर मंदिर गए थे और 12 बजे करीब घर वापस आए। तब उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ पड़ा था और घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि सोने चांदी के जेवर और कैश चोरी हुआ है, जिसमें लगभग 3.5 लाख का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।